प्रयागराज माघ मेला 2022 में ये यहाँ पे बना हुआ है। अमिताभ बच्चन का कुल वृक्ष यानी फैमिली ट्री, उनके दादा परदादा और उनके पोते पोती सब का पूरा नाम पूरा एक ट्री की तरह बना के दिखाया है। जानते हैं इसके बारे में और क्यों बनाया है यहाँ पे। आज मैं हूँ प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में, यहाँ माघ मेला चल रहा है 2022। और यहाँ पे चलते चलते मुझे एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग शिविर मिला है, ये कैंप मिला है। इसमें क्या है कि आप अपना कुल वृक्ष यानी अपने दादा परदादा उनके भी पिता का सबका नाम बनवा सकते हैं। और यहाँ पे ये भाई साहब हैं हमारे, ये इसके बारे में और बताएंगे कैसे फैमिली ट्री बना सकते हैं। बताइए भैया क्या बताएं। वृक्ष भारत में पहली बार ऑनलाइन वंशावली लेखन का प्लेटफॉर्म लेके आई है। ठीक, यहाँ पे आप अपने पूर्वजों का नाम सारा संजो के रख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको आपकी वंशावली जो होती है, आपके दादा परदादा जो भी थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पूर्वजों के पास बनवाते थे, ठीक, वही हम लोग ऑनलाइन फीड करने के लिए आए हैं कुलवृक्ष के माध्यम से। ऐसा हम एक फैमिली ट्री बना के देंगे आपको। ये एक फैमिली ट्री बना के देंगे, अमिताभ बच्चन का इन्होंने बना रखा है ऑलरेडी डेमो के लिए, अमिताभ बच्चन का बनाया है। और अपना वेबसाइट का नाम बताइए। हमारा वेबसाइट का नाम www.kulvriksh.org.com। अमिताभ बच्चन का जो कुल वृक्ष बनाया गया है वो तो एक उदाहरण के तौर पे है, उस आप भी यहाँ के अपना कुल वृक्ष बनवा सकते हैं। वैसे देखते हैं कि ये जो बनाया गया अमिताभ बच्चन का कुल वृक्ष उसमें क्या क्या है। हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन, उनके दो बच्चे, एक अमिताभ बच्चन एक अजिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की शादी हुई जया बच्चन के साथ और उसी तरफ अजिताभ बच्चन की शादी हुई रमोला बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, उनकी वाइफ ऐश्वर्या बच्चन। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा, उनके पति निखिल नंदा। और फिर उनके बच्चों के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। उधर अजिताभ बच्चन के ऊपर नज़र डालें तो उनका भीम बच्चन एक बेटा, नम्रता बच्चन एक बेटी, नैना बच्चन एक बेटी और नीलमा बच्चन एक बेटी। तो इस तरह से फैमिली ट्री पूरा दिखाया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।